हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ बताएंगे, जो कि आप सभी के 2024 बोर्ड पेपर में इस बार 101% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। जितना भी यहाँ पे प्रश्न हम आप सभी को बताएंगे कि आप सभी के हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है और अब आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप सभी का हिंदी के पेपर में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आए। तो यहाँ पे हम आप सभी को जितने भी आप सभी के हिंदी के पेपर में आने वाले हर साल इम्पोर्टेंट, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप सभी को बताएंगे। अगर आप सभी लोग उस पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का हिंदी के पेपर में पूरे के पूरे नंबर आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग हिंदी में बस इतना पढ़ लेते हो जितना हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर इस बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग भी इस बार टारगेट बनाए कि आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% है, तो आप सभी को इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, तभी आप सभी को ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है इस बार, ठीक है। और आपके पेपर में क्या क्या आते हैं, ये चीजें आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तब यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे, सबसे पहले जो आप सभी की हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये 20 नंबर का रहेगा और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। तो हम आप सभी को सबसे पहले, ठीक है, ये जो चीजें इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हाँ, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, वो इस बार आप सभी के एग्जाम में, ठीक है, कहाँ से आएंगे, यानी कि कहाँ से ये सब क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आएंगे और आप लोग कितना याद कर लोगे कि आप सभी को 20 में 20 पूरे नंबर आप सभी का बिल्कुल पक्का हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। तो ये चीजें हम आपको लास्ट में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट है आप सभी को बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो ये मेरी 100% गारंटी कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, आप लोग कितना याद कर लोगे कि आपका 20 का 20 पूरा नंबर पक्का रहेगा, ठीक है। तो इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, और ये जो आप सभी के एग्जाम में आता है ये 6 नंबर का आएगा, ठीक है, 6 मार्क्स का ये आता है, यानी सिर्फ गद्यांश 6 नंबर का आएगा। और इसमें 2 दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे पेपर में दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ऐसे, यानी इसमें 2 दिए रहेंगे, आपको किसी एक को ही करना है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला यानी आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी 100% गारंटी पक्का आएगा, वो है कुसंग का ज्वर सबसे, ठीक है, डैश उठाती जाएगी। ये जो है यहाँ पे गद्यांश, ठीक है, ये क्या है, ये मित्रता चैप्टर का है और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पे आप सभी को हम बताएंगे कि आपको कुसंग का ज्वर, इसका पूरा उत्तर लिखकर बताएंगे। अब आपको कैसे इसको बोर्ड में लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे 6 नंबर, ठीक है, किस तरह से ये आता है। तो जैसे इस तरह से देखिए, आप सभी के पेपर में ऐसे आता है, ठीक है, और ये 6 नंबर का रहेगा। यहाँ पे दिया रहेगा इस तरह से गद्यांश और इसके नीचे 3 क्वेश्चन, आपको इसका आंसर लिखना है। अब देखिए, आपको आंसर लिखना कैसे स्टार्ट करना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी है नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद गद्य में यहाँ पे कुसंग का ज्वर डैश उठाती जाएगी, आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे अ क्वेश्चन में है संदर्भ, सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट में संदर्भ बोला है, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना, तो देखिये आपको इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अगर आप लोग इस तरह संदर्भ लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी सिर्फ
यही लाइन का करना है जिसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन है, उसी का आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लिख करके यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका व्याख्या, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रूप बताए हैं और यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कुसंग का जो सबसे भयानक होता है यानी विनाशकारी होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। आपको इसी में से इसका आंसर ढूंढ कर लिखना होता है। अब आपको लिखना किस तरह से, तो कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है यानी भयानक होता है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, तीन क्वेश्चन थे, दो दो नंबर पर क्वेश्चन पे, छह नंबर आप सभी का बिल्कुल पक्का है अगर आप लोग ऐसे लिखते हो। और ये जो है यहाँ पे कुसंग का ज्वर वाला गद्यांश काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए, ये आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी है, पक्का आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आप सभी को याद कर लेना है, मित्र का कर्तव्य --- धोखा न होगा, ठीक है। ये भी क्या है, मित्रता चैप्टर से, और इसके लेखक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरह से आप लोग इस गद्यांश को भी तैयार कर लीजिए, यानी आप लोग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चार गद्यांश को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 6 नंबर बिल्कुल पक्का है इस बार एग्जाम में, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप लोग देखिए इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर हम पहले से बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में हिंदी के। नेक्स्ट है हे भगवान --- बना रही है, ठीक है। ये जो है ये ममता चैप्टर से, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हमने इम्पोर्टेंट गद्यांश में इसका आंसर बताया हुआ है, और आप लोग ठीक है क्वेश्चन बैंक से भी इसको खोज सकते हो, या आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी वाला उसमें से भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आज विज्ञान --- नियंत्रित भी, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को, यानी यहाँ पे हम ये गद्यांश का पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक हम आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। आपको पाठ का नाम बता दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आप लोग इसको ढूंढ कर बिल्कुल तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो रहे आपके, यानी यहाँ पे गद्यांश इम्पोर्टेंट, आप लोग सभी को तैयार कर लीजिएगा। वैसे आपको इसमें संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा जैसे हमने आपको बताया। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है ये भी आप सभी के एग्जाम में 6 नंबर का ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला है इस तरह से यहाँ पे कि निर्गुण कौन देश --- मति नासी, ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट अभिगत गति --- पद गावे, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि सूरदास का है, ठीक है, और यहाँ पे पद से लिया गया है। यहाँ पे ये वाला और ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, दोनों क्या है, सूरदास का है और ये पद से लिया गया है, तो आप लोग इसको तैयार कर। नेक्स्ट है रानी मैं जानी --- दियो है, ठीक है, ये क्या है, तुलसीदास का है, ये धनुष भंग मन पथ पर से लिया गया है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चरण कमल, ठीक है, --- तिहपाई, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे किस तरह से अब लिखना है, यहाँ पे हम आपको एक लिख करके बताते हैं कि यहाँ पे जो है ये चरण कमल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये किस तरह से आएगा आपके पेपर में। तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई जा की कृपा पगु गिरी लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, ठीक है, रंग चले सिर छत धराई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई, इस तरह से दिया हुआ है। और इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे पहला है इसमें उपर्युक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी सिर्फ आपको जिस यहाँ पे वर्ड के नीचे अंडरलाइन है सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो इस तरह से आपको लिखने के बाद पद में आपको चरण कमल --- तिह पाई, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट के 2 वर्ड --- करके लास्ट के 2 वर्ड आपको लिख देना है पद्यांश के पैराग्राफ का। सबसे पहला संदर्भ है क्वेश्चन में, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और यहाँ पे देखिए काव्यखंड या पदखंड आप लोग दोनों लिख सकते हो, ठीक है। काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, इस पाठ के रचयिता सूरदास जी, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में आप सभी को, ठीक है, आप सभी को इसी का सिर्फ व्याख्या करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है।
और ये जो यह ठीक है, यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो लिखे हुए सूरदास जी, ये एक लंगड़े व्यक्ति पर, गूंगे व्यक्ति पर, ठीक है, यानी इस तरह से अंधे व्यक्ति पर, ये सब यहाँ पे ठीक है, ये जो है यहाँ पे पैराग्राफ ये कहा गया इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या में, मैं उस ईश्वर के कमल व चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा व्यक्ति जो है वो सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा ऐसे ही व्याख्या करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और इसमें क्या है, एक क्वेश्चन भी है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो यहाँ पे हो जाएगा, ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है, पर्वत को लांग जाता है, यानी ईश्वर की कृपा से। तो आपको इस तरह से पूरा लिखना है। और इसके बाद ये निर्गुण कौन देश के, ठीक है, ये वाला, और अभिगत गति कछु रानी मैं जानी, ये सब हम अभी कल ही बताए आपको, ठीक है, पेपर में बताए हैं, तो आप लोग इसको जाकर के देख लीजिएगा उस पेपर को जहाँ पे इस पूरे को हम सॉल्यूशन के साथ बताए हुए। इसके बाद देखिए अब आपको क्या इम्पोर्टेंट हिंदी में तैयार कर, इसके बाद हिंदी के पेपर में आता है सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है, और ये जो जीवन परिचय आता है ये आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का गद्य से और 5 नंबर का पद से आता है आप सभी के, यानी कि ये टोटल कितने नंबर का, 10 नंबर का आएगा, 5 नंबर का गद्य से आएगा यानी लेखक का, और 5 नंबर का पद से आएगा, टोटल 10 नंबर का आप सभी के एग्जाम में जीवन परिचय आता है। तो यहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, अगर आप लोग उसको तैयार कर लेते हो तो उससे बाहर एक भी नहीं आएगा आपके पेपर में, और जितना याद किए रहोगे, तैयार किए रहोगे, पूरे के पूरे आपके पेपर में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सभी के पेपर में यानी किस तरह से जीवन परिचय आता है, सबसे पहले हम आप सभी को ये दिखा दें, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, इस तरह से आया रहेगा, ठीक है, यानी आपको रचना भी लिखना है इनके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इनके, यानी दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, यानी आप लोग अगर जीवन परिचय याद करोगे तो आपको उनके 2-3 रचना को भी याद कर लेना है, तभी आपको 5 के 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए कौन कौन से यहाँ पे याद कर लेना है, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप सभी का जो है, यानी जो 30% पहले कम हुआ था, अब आपको वो भी याद करना है, वो भी पढ़ना है इस बार, ठीक है, वो भी आपके पेपर में आएगा, तो हम आपको उस हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लेखक में आपको जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है, और रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना है, और रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेना है, ठीक है, यानी 3 आपको याद कर लेना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। अब आपको किस तरह से जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा आंसर के साथ अब बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का बताएंगे, यहाँ पे देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से 26 का क लिखना है, जयशंकर प्रसाद यानी आप लोग जिसका लिख रहे हो, इसके बाद आपको ये बॉक्स बनाकर ही लिखना है, ठीक है, ये तरीका जो है टॉपर की तरीका है, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तभी टीचर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देंगे, अदरवाइज आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना, और इस बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना है संक्षिप्त परिचय में नाम, जिसका आप लोग लिख रहे हैं उनका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका 1889 ईस्वी में हुआ था, और आप लोग 1890 भी लिख सकते हो, यानी इनके 2 जन्म होते हैं, ठीक है, यानी 2 जन्म के बारे में इनका मतभेद है, तो आप लोग दोनों लिख सकते हो जो आपको याद है। स्थान है काशी वाराणसी में हुआ था, पिता का नाम देवी प्रसाद, रचनाएं जो है कामयानी है, लहर है, तितली, इरावती, अपुर, यानी कई इनके रचना आप लोग यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में हो गई थी। अब जीवन परिचय देखिये, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ यहाँ पे हिंट्स है, पॉइंट है, उसी से आपको जीवन परिचय बनाना है। शंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही, इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, ठीक है, किन्तु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इनके पिताजी मर गए तो जितने भी घर
घर परिवार के बोझ थे, चिंताएं थी, वो इनके ऊपर आ गए, इनके कंधों पर आ गए, जिससे इनके कठिनाई जो है वो बढ़ गए और इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही ये टेंशन के कारण, चिंता के कारण क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। और इनकी रचनाएं कामयानी, लहर, तितली, झरना इत्यादि, तो इस तरह से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस तरह से लिख करके प्रैक्टिस करके आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसके बाद हम आपको यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का भी बता देते हैं किस तरह से आपको लिखना है। देखिए आप सभी को, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का भी यहाँ पे बॉक्स बनाकर आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे संक्षिप्त पर्चे में आपको नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म इनका 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका जो था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी रचनाएं चिंतामणि था, ठीक है। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई। अब देखिए आपको इसी बॉक्स में जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे इसी से अब आपको जीवन पर्चे बनाना है। जीवन पर्चे में हो जाएगा हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, ठीक है। आपको कुछ टाइटल इस तरह से लिख करके स्टार्ट करना है, इनका जीवन पर्चे लिखना है, जिससे जीवन पर्चे में और भी 4 चांद लग जाते हैं और आपको और भी 5 के 5 पूरे नंबर अच्छे से मिल जाते हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, माता का नाम विभासी था। माता का नाम आपको याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो आप लोग मत लिखिए। अगर आप लोग इस तरह से हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको, यानी अगर आपको सही सही बिल्कुल यहाँ पे जीवन पर्चे याद रहेगा, सन वगैरह याद रहेगा, तभी आप लोग हाईलाइटर का यूज कीजिएगा। तो इस तरह से क्या है, आपको इनके पिता का नाम लिखना है चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम इनके विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो हमीरपुर में हुई थी। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण, ठीक है, गणित में कमजोर होने के कारण ये गणित में फेल भी हो गए थे। तो यहाँ पे गणित में कमजोर होने का इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरी परिचारिका सभा की पत्रिका, इनकी नागरी परिचारिका जो है ये एक पत्रिका थी, इसका इन्होंने संपादन किया था। इसके बाद ये श्वास का इनको दौरा पड़ने के कारण 1941 में इनका निधन हो गया। इनकी रचना है चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, इनके काफी इंपॉर्टेंट रचना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इनकी प्रमुख रचना है, इस तरह से आपको पूरा जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कवि का जीवन परिचय, ठीक है। आपको कवि के जीवन परिचय को कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास सबसे इम्पोर्टेंट, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास और मैथिलीश्वर गुप्त हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कितने हैं, 4 है। अगर आप लोग ये 4 को याद कर लेते हो तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे जैसे किस तरह से लिखना है, सबसे पहले तुलसीदास का यहाँ पे हम आपको बताते हैं। आप सभी को तुलसीदास के जीवन परिचय को इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पे बॉक्स बनाकर लिखना है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे जन्म, देखिए हम आपको बता दें अगर आप लोग इनका जन्म तुलसीदास का संवत में लिख रहे हो तो आपको मृत्यु भी इनके संवत में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म संवत 1554 ईस्वी, स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, रचनाएं रामचरितमानस और इनकी मृत्यु संवत 1680 गंग के तीर, ठीक है, सावर शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, इस तरह से दोहा कहा गया है। तो उसी दोहा के अनुसार इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1680 ईस्वी में हुआ था, 20वीं में। तो यहाँ पे देखिए जीवन परिचय में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम होलसी था। इनका बचपन का नाम जो है वो राम बोला था, क्योंकि जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख में कुछ दांत पाए गए थे, ठीक है, जिससे ये जन्म लेते ही राम का नाम ले लिए थे, इसलिए इनको तुलाराम या राम बोला कहा जाता है। और उसी, यानी मुंह में दांत होने के कारण इनके माता पिता जो थे इनको राक्षस समझ के, ठीक है, ये नदी के किनारे इनको फेंक दिए थे। तो वहां से इनको इनके गुरु एक ले गए, ठीक है, जिनका नाम नरहरिदास था, वो इनको ले गए और इनका पालन पोषण किए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सरयू पारायण ब्राह्मण थे, इनके माता पिता इनके बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास जो कि यहाँ पे तुलसीदास के जो है ये नरहरिदास ये गुरु हैं, ठीक है, इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह भी किए थे उन्होंने रत्नावली के साथ, ठीक है, इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज्यादा अनुरक्त रहते थे, यानी अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया।
और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुई। इनकी रचनाएं में प्रमुख रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, इस तरह से इनकी रचना आप लोग ये सभी को तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको हम और बता देते हैं मैथिली शरण गुप्त का, बाकी यहाँ पे महादेवी वर्मा और सूरदास का हमने पहले से बता चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, हम प्लेलिस्ट का जीवन परिचय का बनाए हुए इम्पोर्टेंट, वहां से भी देख सकते हो। और आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी। सूरदास का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी। आप लोग वहां से वीडियो को देख भी सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का भी आपको इसी तरीके से लिखना है, यहाँ पे बॉक्स में ये सब चीजें लिख देना। इसके बाद देखिये जो मैथिली शरण गुप्त है इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, आप लोग ये भी तैयार रखिए। तो यहाँ पे राष्ट्र कवि, ठीक है, माने जाने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, माता का नाम काशीबाई गुप्त था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इनको हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया था। भारत माता से प्रेम करने वाले भारत माता के इस महान पुत्र का निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया, ठीक है। यानी आपको कुछ इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए टाइटल के रूप में। और देखिए यहाँ पे इनकी जो रचना है वो साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि, आपको इसी तरीके से पूरा लिखना है। और जितना यहाँ पे हम बता रहे पूरा का पूरा यही आएगा जीवन परिचय, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश, ठीक है, जो आपके एग्जाम में यानी कि 5 नंबर के आते हैं, यानी इस बार 5 नंबर का कर दिया गया, 5 नंबर का आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है वो है कि ऐसा नगरी - कारिता, ये क्या है? काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को इसका आंसर किस तरह से लिखना है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है और इसके बाद इसका अनुवाद करना है हिंदी में, ठीक है। 2 नंबर आप सभी को मिलेगा संदर्भ पे, 3 नंबर आपको अनुवाद पे मिलेगा। टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे संस्कृत गद्य आपको इस तरह से लिखना है, ऐसा नगरी - कारिता, इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे संदर्भ इसका क्या हो जाएगा, यानी संस्कृत में आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, ये संस्कृत खंड से, तो यहाँ पे संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, इस तरह से आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका अनुवाद क्या हो जाएगा हिंदी में, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। और आप सभी को इसको क्या करना है, आप लोग इसको अपने किताब में देख लीजिएगा, आपके हिंदी की किताब में जो होगा ये वाला पैराग्राफ होगा, आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा और यहाँ पे ये जो हम आपको बता रहे इसका अर्थ पूरा आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। तो यहाँ पे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह पे फैला हुआ था, ठीक है। और मुगल युवराज जो राजा थे यानी दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप सभी को याद कर लेना अस्माकर - चेति, ठीक है, ये वाला आप सभी को संस्कृत के यहाँ पे गद्यांश को तैयार कर लेना है। और देखिए ये जो अस्माकर - चेति है ये भारतीय संस्कृति पाठ से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर हम पहले से भी बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, और ये भी जो है ये आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर का ही आता है। आपको 2 नंबर संदर्भ पे मिलेंगे, ठीक है, और प्लस आपको 3 नंबर मिलेंगे इसके अनुवाद पे। टोटल ये 5 नंबर का आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आपके पेपर में हर साल आता है और इस बार भी आएगा, वह सर्वे भवन्तु - भवेत, ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, तरह से आप सभी को क्या करना है, संस्कृत पद, ठीक है, सर्वे भवन्तु - भवेत,
संदर्भ में सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे पाठ का नाम, तो प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि आप लोग इसको श्लोक भी लिख सकते हो और पद भी लिख सकते हो। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। आपको यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना है, लिया गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सर्वे भवंतु जो यहाँ पे कविता है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी अनुवाद की सर्वे भवंतु सुखिनः, ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या हो, सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सभी लोग रोग रहित हो, यानी सभी लोग निरोगित हो, ठीक है, और यहाँ पे निरोग हो। और वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु का मतलब देखना, यानी सभी लोग कल्याण को देखे, ठीक है। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है इस श्लोक में, इस पद में, ठीक है। आपको पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए, तभी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर टीचर देंगे इस तरह से। इम्पोर्टेंट बंधनम मरणम डैश डैश वीरता, ठीक है, ये जो है ये बीरा बीरेड पूज्यते पाठ से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब्दो दुर्गामी डैश डैश पंडिता, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे नंबर लिख करके, ठीक है, यहाँ पे श्लोक भी लिख सकते हो, पद भी लिख सकते हो संस्कृत। अब्दो दुर्गामी डैश डैश पंडिता, यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया। संदर्भ में इस तरह से लिखना है। हिंदी अनुवाद इसका हो जाएगा बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, ठीक है। आप लोग देखिए इसका, आप लोग अपनी किताब में या क्वेश्चन बैंक में इसको देख लीजिएगा इसका पैसेज। यहाँ पे हम आपको सिर्फ अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वो पंडित है, यानी वो क्या है, पत्र है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप सभी की हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आता है जो कि 1+1 यानी कि इक्वल यहाँ पे 2 नंबर का आता है, ठीक है, वो है यहाँ पे संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से आप सभी के एग्जाम में आता है, सिर्फ आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, 4 क्वेश्चन दिए होते। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन संस्कृत का जो काफी वायरल क्वेश्चन है, हर साल आते हैं, अगर आप लोग उसको तैयार कर लेते हो तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है, वो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुराजा केन स युद्धम अक्रोत, तो पुरुराजा अलचंद्रेण स युद्धम अक्रोत। देखिये नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है, तो यहाँ पे वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। नेक्स्ट है ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम जो है वो सर्वत्र संभवति यानी सभी जगह पर ज्ञान है। नेक्स्ट है भूमे गुरुत्वा किम अस्ति, तो माता भूमे गुरुत्वा अस्ति, ठीक है, यानी पृथ्वी से बड़ा कौन है, तो माता जो है वो पृथ्वी से बड़ा है, बड़ी है। तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बीरा केन पूज्यते, ठीक है, तो बीरा बीरेड पूज्यते। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना कौन दूर दूर तक जाता, बिना पैरों बिना पत्र जाता है, ठीक है, तेन बिना पत्रम दूरम याति। चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसित, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की दिशा अस्थि, तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप लोग जितना यहाँ पे हम बता रहे हैं संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। काफी सरल सरल हमने यहाँ पे आंसर के साथ बताया हुआ है, सभी आप लोग आंसर को नोट कर लीजिए और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिये नेक्स्ट है खंड काव्य, ये आपके पेपर में हिंदी के 3 नंबर का आता है, ठीक है, 3 नंबर यहाँ पे इतना दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसमें से एक के बारे में लिखना है और एक के क्वेश्चन आंसर को आपको याद करना है। तो आपको कौन से पढ़ना है, कौन सा आपको याद करना है, कौन से हिंदी के पेपर में आपको आएगा तो लिखना है, इस तरह से आपके हिंदी के पेपर में आएगा, ठीक है, ऐसे, यानी इस तरह से 3 नंबर का ये क्वेश्चन है और इस तरह से ऐसे करके आएगा, मेवाड़ मुकुट जय सुभाष कर, ठीक है, मातृभूमि तुमूल कर्मवीर, ऐसे ही आप सभी के पेपर में आएगा। तो आप सभी को अग्र पूजा, ठीक है। तो देखिए ये जो चीजें जैसे यहाँ पे मातृभूमि कर्मवीर जय सुभाष यहाँ पे हमने आपको लिखकर बताया है, ठीक है, कर ज्योति जवाहर, तो इस तरह से ये क्या है, ये आप सभी के पेपर में आएगा,
तो ये आपको जिला वाइज होता है, यानी आप लोग जिस जिले के हो और आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आप लोग किस जिले के हो, ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको बता देंगे कि हाँ आपको कौन सा पढ़ना है, अगर आप लोग जिले का नाम बताओगे तो। और वैसे भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, उसमें हम सभी जिले में आपको क्या क्या पढ़ना है सब उसमें हम सेंड कर दिए हैं, ठीक है, भेज दिए हैं। आप लोग वहां से भी टेलीग्राम चैनल में हमारे जुड़कर देख सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग, ठीक है, और आप लोग अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हो कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, हमारे जिले में क्या आएगा, और आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो वहां पे भी आप लोग देख सकते हो। इस तरह से ये 3 नंबर का आता है। और यहाँ पे देखिए, जैसे 27 क्वेश्चन में अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का श्लोक भी आप सभी के पेपर में आता है हिंदी का, और इसमें आप लोग संस्कृत के श्लोक को लिखोगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर 3 श्लोक को याद कर लिए तो आप सभी का 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। एक आप लोग याद कर लीजिए, सर्वे भवन्तु वाला और बंधन मरण वाला, ठीक है, और इसके बाद अब्दो दुर्गामी वाला, तीनों याद कर लेते हो तो इसमें से 2 आपके पेपर में आएगा और 1 नहीं आएगा तो आप लोग उसी को लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर लो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ये आप सभी के पेपर में इस बार जो है 7 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है, 7 मार्क्स का। अब देखिए, आपके पेपर में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है जो हर साल आते हैं हिंदी के पेपर में, वो यहाँ पे सबसे पहला वेरी इम्पोर्टेंट, और ये बिल्कुल पक्का है, लिखित है, बिल्कुल छप चुका है आपके पेपर में, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। दूसरा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि, और मेरे प्रिय पुस्तक या मेरे प्रिय कवि। इस तरह से यहाँ पे आप लोग अगर 4 याद कर लेते हो तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। और आप सभी को इसको, यानी कि 7 नंबर का है तो आपको इसको 3 से 4 पेज में आप सभी को लिखना है। इससे आपको अधिक लिख देना है लेकिन आपको कम नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो आपको पूरे 7 नंबर नहीं मिल पाएंगे। अब देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पे हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको लिखना है सबसे पहले, जिससे आपको पूरे के पूरे जो है 7 नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हो निबंध, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, इसके बाद रूपरेखा, रूपरेखा में आपको वही लिखना होता है आपको, जैसे कि आप लोग इस जो यहाँ पे निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे, कौन कौन से हेडिंग का यूज करोगे, लिखोगे इसके अंतर्गत, उस हेडिंग को आप लोग लिखोगे रूपरेखा में। तो यहाँ पे हम पर्यावरण प्रदूषण का बता रहे हैं। देखिए, हम आप सभी को इस वीडियो में काफी मेहनत से सभी आंसर के साथ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा। और जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, हर साल कंटिन्यू आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और हर साल ऐसे ही हम बताते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट के आते हैं, और पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर स्टूडेंट लेकर आते हैं हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है, हर साल। तो आप सभी लोग भी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार, ठीक है, ये यहाँ पे 5 हेडिंग से पूरा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बनेगा। सबसे पहले प्रस्तावना है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, यानी आप लोग जो भी निबंध लिख रहे हो उसके अंतर्गत आप सभी को उसका परिचय एक प्रकार से इसमें देना होता है, ठीक है। तो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, इसमें यानी आपको कारण लिखना है किस तरह से ये जो प्रदूषण है ये बढ़ रहा है। प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। इसके बाद इसका अर्थ जो है यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है, वो अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, इस तरह से आपको लिखना है। और इसको आप लोग, ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, और यहाँ पे आप लोग हाईलाइटर अगर रखे हो, ले गए हो आप लोग, तो यहाँ पे हाईलाइटर का यूज कर दीजिएगा, जिससे आपके जो निबंध है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, जिससे टीचर आपको पूरे 7 नंबर दे देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार जो हैं वो कितने हैं, तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, ठीक है, यानी टोटल 4 प्रदूषण है। पहला प्रदूषण, अब यहाँ पे हेडिंग लिखना है वायु प्रदूषण, इसमें आप सभी को अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, आप लोग जितना भी अपने शब्दों में बनाकर लिखोगे टीचर उतना ही देखकर खुश होता है और आपको पूरे नंबर देता है।
ठीक है। तो वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन, ठीक है, जिसे हम सभी लोग अपने क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। किसको? तो ये पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। जैसे क्या है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, ये सब क्या कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। जो गांव-गांव में जब पानी की कमी होती है तो टैंकरें आती हैं, उनके पीछे आप सभी लोग पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और ये सब जो है ये फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी है जो कि ये जल को जो कर रहे हैं प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को हमारे भी वीडियो में कभी कभी काफी ज्यादा ध्वनि की आवाज आती होगी, जैसे वो सब आवाज जैसे मोटर कार की, ट्रेन की, ठीक है, इस तरह से ये सब चीजों का आवाज आप लोग कभी कभी हमारे वीडियो में भी सुन लेते होंगे। तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण आज की जो है एक नई समस्या है, क्योंकि इसे जो है ये इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। पहले ये सब प्रदूषण नहीं था, पहले तो लोग मीलों दूर चले जाते थे घोड़े गधे ये सब बैठ इस पे बैठ करके, ठीक है। बाकी ये सब यहाँ पे मोटर कार ट्रेन वगैरह नहीं था। इसको किसने पैदा किया, इसको साइंटिस्ट बनाए और ये विज्ञान का देन है। तो यहाँ पे मोटर कार ट्रेन कारखानों मशीनों लाउड स्पीकर आदि से जो ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। ये भी क्या आधुनिक ही प्रदूषण है। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए रासायनिक प्रदूषण जो है इसको तो किसान ने पैदा किया है, यानी किसान इसको बढ़ा रहे हैं। अब क्या है, और ये कृषि से बढ़ रहा है। जैसे क्या है कि खेती में किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज वृद्धि के लिए दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या अधिक वृद्धि हो रही है, अब क्या करेंगे किसान, अब ज्यादा मांग हो रहा है कोई भी साग सब्जी या अनाज का, ठीक है। तो किसान भी क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खेती कर रहे हैं। और जिन किसानों के पास जैसे ज्यादा खेत नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी थोड़ी सी खेतों में अच्छी अच्छी दवाइयों का यूज करके, यूरिया खाद का यूज करके, कीटनाशकों का यूज करके वो ज्यादा पैदावार कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा उत्पादक बढ़ा रहे हैं अपने खेतों का। जैसे देखिए इतना एक अंगुल का क्या होता है, कोई भी लौकी खीरा आज देखिए हम लोग। इसके बाद क्या होगा, किसान उनको क्या करेंगे, इंजेक्शन एक आता है उसको लगा देंगे और कल वो एक हाथ का हो जाएगा और उसको मार्केट में बेचकर जो किसान है वो अच्छे खासे पैसे भजा लेते हैं, ठीक है, कमा लेते हैं। अब देखिए किसान वो फल को, वो सब्जी को नहीं खाएंगे, उस सब्जी फल को कौन खाएगा, जनता खाएगा, ठीक है, सभी लोग खाएंगे जिसके पास खेती नहीं होती है। तो वो क्या होगा, उसको खाएंगे तो उनको विटामिन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे उसको खाने के बाद। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यानी कि जो इस समय रासायनिक प्रदूषण है, अब ज्यादातर क्या हो रहा है, कीटनाशकों का यूज करने से, खाद यूरियों का यूज करने से जो मिट्टियां होती है उसका भी जो तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, मिट्टियां बाद में बंजर पड़ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रासायनिक प्रदूषण इन सब कारणों से बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण का कारण, यानी प्रदूषण के कारण क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, लोग ज्यादातर नहीं जन्म लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यानी जितना चीजें हो रही है, जितने खेती, जितने जमीन है, जितना सामान है, उसी में सभी लोग खाएंगे। बाकी और जितना लोग जन्म ले रहे हैं उनको भी तो खाने के लिए, ठीक है, अधिक से अधिक चीजों की जरूरत होती है, उनके लिए अधिक से अधिक, ठीक है, खेती करना पड़ेगा, ज्यादातर जो गाड़ी मोटर है ट्रेन है वो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है, सबसे यानी सबसे मुख्य कारण इसका प्रदूषण का जनसंख्या वृद्धि ही है। विश्व में जनसंख्या असुरसा की भांति, ठीक है, यानी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, विकराल रूप बिल्कुल धारण की। और दूसरा कारण है इसका विज्ञान, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम लगाना जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग भी अपने एक जन्मदिन पर एक वृक्ष को अपने घरों के आसपास जरूर लगाइए। ठीक है, जिससे वो आप सभी को शुद्ध वातावरण देगा और अच्छा आप सभी को ऑक्सीजन देगा और प्रदूषण से आपको बचाएगा। तो आप लोग भी जरूर लगाइएगा। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जल में कचरे और मृत शव को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां पे बनवाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। ठीक है, यानी कि जंगलों में बनवाना चाहिए, जहां पे ज्यादा घर मकान न बनाओ, जहां लोग ज्यादातर रहते नहीं है। उपसंहार में क्या होता है, इसमें आपको अपने विचार लिखना होता है, यानी आप सभी को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए आपका विचार क्या है, आपको वही चीज यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो हम आपको पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बताए, ये काफी सरल है और ऐसे ही लिखने पर टीचर आपको 7 के 7 नंबर पूरे देंगे। ठीक है, जितना आप लोग सरल शब्दों में लिखोगे, बनाकर लिखोगे अपने शब्दों में, उतना ही अच्छे टीचर नंबर आपको देते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर देखते हैं कि हाँ, स्टूडेंट ये रटा रटाई बातों को नहीं लिखा, ये बिल्कुल समझकर लिखा हुआ है और इसी पर नंबर मिलते हैं आपको। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है, जितना चीजें बताया सभी आपके आसपास, ठीक है, होने वाली घटनाएं थी इसमें, आपके आप लोग के आसपास ये सब दिखाई देने वाली चीजें हैं, बिल्कुल आसपास के गांव के शब्दों में, इस तरह से काफी सरल शब्दों में हम आपको बताए हुए हैं। इसके बाद देखिए, एक इम्पोर्टेंट है, विज्ञान वरदान या अभिशाप है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इधर यहाँ पे विज्ञान वरदान या अभिशाप, और लास्ट में आप सभी को उपसंहार लिखना है। तो इस तरह से आप लोग इस पूरे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पे मानवीय लिखा हुआ है। ठीक है, तो वह नेक्स्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र, आपको कौन कौन से प्रार्थना पत्र याद करना है, और ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और ये न्यू पैटर्न के अनुसार आपके पेपर में ये क्वेश्चन बढ़ाया गया है इस बार। तो यहाँ पे देखिए, कौन कौन से काफी इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है और आपको लिखना कैसे, इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, जिससे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को आपको एक पत्र लिखना है। दूसरा है शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। तो देखिए, हम आपको पहला वाला लिखकर बताते हैं किस तरह से आपको लिखना है, और इस क्वेश्चन के बाद हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या क्या आते हैं, ये चीजें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आप सभी के ये पेपर में भी दिया हुआ है 4 नंबर का है। ठीक है, अथवा करके दिया रहेगा, 2 आपको किसी एक पर ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं आकस्मिक अवकाश हेतु, तो यहाँ पे आपको पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या, आपको शुरुआत कैसे करना है, यहाँ पे सेवा में कावा श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, ठीक है, या प्रधानाचार्य जी। इसके बाद यहाँ पे जो भी कॉलेज का नाम है, आप लोग कोई भी कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने किसी भी कॉलेज का नाम लिख दिया है। विषय में आपको लिखना है आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, यानी विषय में आपको क्या लिखना होता है, जो चीजों पर आप लोग पत्र लिख रहे हो उसी हेडिंग को आपको लिखना होता है। बाद आपको यहाँ पे महोदय लिखना है और कावा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, लाइनिंग वगैरह छोड़कर आपको उसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे महोदय कावा के बाद क्या हो जाएगा, सभी ने निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार होने के कारण, ठीक है, मैं दिनांक, यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना है, डेट लिख देना है, जैसे आप लोग कोई भी डेट लिख सकते हो, जिस दिन आप लोग इस यहाँ पे प्रार्थना पत्र को जहाँ पर भी लिखोगे उस डेट को आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे को कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, सहृदय धन्यवाद या धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद दिनांक आपको यहाँ पे लिख देना, आपका आज्ञाकारी शिष्या, और आपको एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है तो क ख ग, और यहाँ पे आप लोग जिस क्लास के, यानी क्लास 10, तो क्लास 10 आपको लिख देना है, कक्षा 10। तो ये जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, और आप लोग कितना याद कर लोगे, जिससे आपका पूरा 20 नंबर पक्का है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी के, यानी कि हिंदी गद्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो है, ये आप सभी के 5 नंबर का आएगा, यानी 5 नंबर का सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे।
और ये आपके शुक्ल युग तथा यहाँ पे शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो शुक्ल युग का है और कौन सा शुक्लोत्तर युग का, पूरा आपको हम आगे बताएंगे लिख करके सभी से रिलेटेड, ठीक है, आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी पद से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, ये 5 नंबर का यानी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ हिंदी पद से आएगा, रीतिकाल और आधुनिक काल से। इसके बाद यहाँ पे रस में आपको क्लास 10 में आपको हास्य रस और करुण रस को पढ़ना है, आपको इसका उदाहरण तैयार करना है, कम से कम 4 उदाहरण, और आपको पहचानना तैयार कर लेना है कि हाँ ये जो उदाहरण है इसको किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि हाँ ये करुण रस है या हास्य रस है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उदाहरण दिया रहेगा और उसमें बोल देगा कि हाँ ये कौन सा रस है, तो अगर आपको पहचानने की तरीका पता है तभी आप लोग पहचान पाओगे, ठीक है, जो कि हम पहले से ट्रिक के रूप में बता चुके हैं। नेक्स्ट है अलंकार, अलंकार में आपको उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार, आपको इसका लक्षण और उदाहरण तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सब अब जो है ये अब ऑब्जेक्टिव के रूप में ही सिर्फ आते हैं, ये लिखने के लिए आपके पेपर में नहीं आता है। इस तो यहाँ पे इन सब चीजों से यानी कि रस छंद अलंकार से एक एक नंबर के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएगा, ठीक है, इस तरीके से एक एक नंबर का यानी टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको छंद में सोठा और रोला छंद को तैयार कर लेना है, यानी सोठा छंद में कितने कितनी मात्रा है, पहले चरण में होते हैं, दूसरे चरण में होते हैं, रोला के कितने चरण होते हैं, ये सब आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद उपसर्ग है, उपसर्ग में आपको अ का, अन का, अधि का, अप का, उप का, सु का, अभी का, परी का, ये सब आपको तैयार करना है, इससे रिलेटेड ही उपसर्ग आपके पेपर में आएंगे। समास में आपको क्लास में द्वंद द्विगु और कर्मधारय बहुव्रीही समास पढ़ना है, ठीक है, तो आप सभी को इसकी पूरे को आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम और पर्यायवाची सब तैयार कर लेना है, ये सब सभी एक एक नंबर के आएंगे, यानी 3 नंबर का ये आएगा, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, ठीक है, इससे इसी तरीके से आएगा, यानी टोटल 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से बनेगा। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम और यहाँ पे तद का, युष्मद का यानी आपको शब्द रूप याद कर लेना। उसके बाद देखिये ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये सब वर्ड जो है इस बार ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में बढ़ाए गए हैं, यानी संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद और युष्मद बढ़ाया गया है, वाक्य का स्वरूप बढ़ाया गया, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वाच्य का प्रयोग और वाच्य का परिवर्तन बढ़ाया गया, इससे रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, ठीक है, यानी ये जो है नए शब्द है, नए क्वेश्चन है, आपको इसको काफी अच्छे तरीके से आगे आपको समझा कर बताएंगे। तो इसके बाद देखिए अब आपको इससे रिलेटेड जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करना है, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादातर आते हैं। देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश दीप और ममता कृति के लेखक हैं तो कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और दिनकर, ठीक है, तो यहाँ पे आकाशदीप और ममता जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है झूठा सच किस विधा की रचना, यहाँ पे विधा पूछ रखा है, ठीक है, यहाँ पे विधा का मतलब कि ये उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, ये क्या है, ये आत्मकथा है, तो यहाँ पे देखिये ये जो झूठा सच है ये क्या है, ये उपन्यास है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन शुक्ल युग की समावधि है, यानी जो शुक्ल युग है इसका समय कब से कब तक माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 1919 से 1938 इसका समावधि है शुक्ल युग का, आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है चौथा कलम का सिपाही कृति है, तो कलम का सिपाही जो है वो किसकी कृति है, तो अमृत राय की है, और ये किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी है, ठीक है, अमृत राय की जीवनी ये यहाँ पे विधा है, तो आपको विधा भी तैयार कर लेना है क्योंकि कभी कभी विधा भी पूछ रखता है। तो ये देखिए ये सब क्या है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड यहाँ पे गद्यांश से बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्या है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है, जैसे यहाँ पे है ए वाला क्वेश्चन, ऑप्शन रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है क्योंकि रामविलास शर्मा लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बर्फ की गुड़िया महादेवी वर्मा की कृति, ये भी गलत है क्योंकि बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की कृति है। नेक्स्ट है क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है,
ये बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जो ये क्या भूलू क्या याद करूं, ये क्या है, ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया ये क्या है, आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन के पिताजी, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया, यानी ये विधा जो है ये आत्मकथा विधा है और ये उन्हीं की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, बाकी ये भी गलत है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के कवि लेखक है, ये भारतेंदु युग के नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, बिहारी किस युग के कवि हैं, और ये क्वेश्चन अब आगे रीतिकाल और आधुनिक काल से रिलेटेड है, ठीक है। तो बिहारी जो है वो किस युग के कवि हैं, पहला यहाँ पे आधुनिक काल, भक्ति काल, आदि काल और रीतिकाल, ठीक है। तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है प्री प्रवास किसकी रचना है, तो प्री प्रवास किसकी रचना है, पहला ऑप्शन यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का रचना प्री प्रवास है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचयिता है, ठीक है, तुलसीदास है, केशव दास है, मैथिली शरण गुप्त है कि जयशंकर प्रसाद है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट साहित्य लहरी के रचनाकार है, तो साहित्य लहरी जो है ये यहाँ पे सूरदास इसके रचनाकार है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है खून के छींटे के रचनाकार है, ठीक है, तो भगवत शरण उपाध्याय जो है खून के छींटे के रचनाकार है, इनकी कृति है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए हमने आपको बताया कि इस बार जो आपके रस हैं वो इस तरह से ऑप्शनल के रूप में आएंगे, ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ऑप्शन यहाँ पे क राइट है। नेक्स्ट उपमा के कितने अंग होते, उपमा के 4 अंग होते, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है रोला में कितने चरण होते हैं, तो रोला जो है रोला छंद उसमें 4 चरण होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए उपसर्ग का मतलब क्या है कि कोई भी जो वर्ड यहाँ पे दिया है उसके आगे लगने वाले शब्द, तो यहाँ पे आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ लगा हुआ है तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे घ राइट है। नेक्स्ट है शताब्दी में कौन सा समास है, अब देखिए यहाँ पे शताब्दी बोला है और ये क्या एक संख्या है, यानी 100 वर्षों का समूह है, तो यानी एक संख्या का समूह है, तो जहां पर संख्या का यूज आ जाए, जहां पे संख्या का बोध हो जाए, वहां पे द्विगु समास होता है, ठीक है, क्योंकि जो द्विगु है ये खुद एक संख्या का रूप है, दो गायों का समूह इसी को द्विगु कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है रात का तत्सम होगा, तो रात का जो तत्सम है वो रात्रि होगा। नेक्स्ट है तद यानी स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो यहाँ पे ताभ्य है, ऑप्शन यहाँ पे क राइट है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 18, वाक्य का वह भाग जो न्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो यहाँ पे विधेय कहलाते, ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य का प्रयोग है, अब देखिए यहाँ, तो यहाँ पे ये भाव है प्रयोग है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। 20 क्वेश्चन, मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये सरल वाक्य, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हो गए ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों को याद करने के अलावा आप सभी को सभी महत्वपूर्ण जितने भी वायरल मॉडल पेपर हमारे चैनल पे आप सभी को तैयार कर लेना है, कम से कम आप लोग 5 मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए, जो कि हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है, या आप लोग इस वीडियो के लास्ट में भी हम आप सभी को वीडियो लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग, ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे और हमारे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन को तैयार करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है, ठीक है। आप लोग का भी इस बार बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 70 नंबर आएगा, आप लोग अगर इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो, तब जितना हम यहाँ पे क्वेश्चन बताएं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कम से कम आप सभी लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक जरूर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने आपको काफी स्ट्रगल से ये सब चीजें लिख करके काफी अच्छे तरीके से पूरे आंसर के साथ बताए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी सब्जेक्ट का आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इस तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए क्वेश्चन की, तो आप लोग जरूर कमेंट करके सभी लोग बताइएगा।
तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।